अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, इस वक्त मैं आपको एक नेट का शॉर्ट बना कर दिखा रही हूँ। ये एक टॉप जैकेट स्टाइल टॉप है, शॉर्ट है, और इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया। ये नेट फैब्रिक है, नेट का अर्थ जो है बड़ा होता है। सबसे पहले मैं ये बहुत आसान था शॉर्ट है, मैं इसकी सबसे पहले योक की लेंथ निकाल रही हूँ। मैं 15 इंच की लेंथ रखूँगी योक की, तो इसके लिए मैं 16 इंच पर कट लगा रही हूँ। ये पीस मैं अलग कर लूँगी योक के लिए। जैसे कि मैंने बताया, ये बड़े अर्थ का कपड़ा है और इसके ये मैंने 2 गज कपड़ा लिया है। इसमें 2 साइड बॉर्डर भी है, और ये बॉर्डर अलग करने के बाद मैं दरमियान का सेंटर का कपड़ा लूँगी। इसमें से मैं फ्रंट बैक की योक का साइज ले रही हूँ। ये मैं 19 इंच पर मैंने इसका निशान लगा कर कट कर लिया है, 19 का आधा मैंने हाफ लिया है, तकरीबन 9.5 5 पर मैंने कटिंग कर ली है चौड़ाई का निशान लगा कर। अब मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ, जो कि मैंने 7.5 पर लगाया है, 7.5 पर, और इतना ही मैंने आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। ये फ्रंट ओपन है श्रग, जैसे कि आपने पिक्स में देखा होगा। ये शोल्डर कटिंग कर रही हूँ, और ये साइड फिटिंग के लिए हल्की सी कटिंग में साइड से भी की है मैंने, और नीचे से भी हल्का सा कर्व दूंगी मैं। ये इसकी योक कट कर तैयार हो गई है। अब इसके फ्रंट और बैक पीस मैं अलग कर लूँगी, बैक साइड की नेक की कटिंग नहीं होगी। फ्रंट साइड पर मैं आर्म होल की भी इजाफी कटिंग कर रही हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारी जो नेक है बैक साइड पर नहीं जाती। इसकी फ्रंट की नेक जो है बड़ी काट रही हूँ, क्योंकि इसमें एक चौड़ी पट्टी लगेगी। ये देख सकते हैं आप, मैं तकरीबन 11 इंच डीप ले रही हूँ इसकी गहराई, जबकि इसकी टोटल चौड़ाई गहराई जो है वो 16 इंच है, और 11 इंच पर मैं नेक कटिंग कर रही हूँ। और इसकी चौड़ाई भी मैं ज़्यादा ले रही हूँ, तकरीबन हाफ हाफ मैंने की है, 3.5 की मैंने फोल्डिंग की है, यानी कि बड़ी सी नेक कटिंग कर रही हूँ। जब इसमें पट्टी रहेगी तो ये नॉर्मल नेक का साइज़ हो जाएगा। ये नेक भी कटिंग हो गई है, और मैं नीचे से भी तकरीबन 1 पाउंड की सिलाई जितना नीचे से भी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसमें एक चौड़ी पट्टी आएगी तो ये चौड़ाई जो है पूरी हो जाएगी। अब मैं इसका नीचे से जो मैंने अम्ब्रेला कट घेर लगाना है उसी कटिंग में करूँगी। ये थोड़ा सा मैं हाई एंड लो में रखूँगी। अब आप ये देख सकते हैं मैंने कपड़े को डबल फोल्डिंग किया है, डबल फोल्ड किया है। ये डबल किया है मैंने उसी तरह जिस तरह से ये फैब्रिक डबल था। अब इस तरह से मैं इसकी फिर फोल्डिंग कर रही हूँ। ये एक ट्रायंगुलर शेप ले ली है इसने, यानी कि 4 लेयर हैं इस वक्त नीचे की साइड पर। अब जितना हमारा वेस्ट का साइज़ होता है उसका हाफ मैं लूँगी। वेस्ट का साइज़ अगर हमारी चेस्ट जो है वो 18 इंच है, तो वेस्ट उससे 2 इंच हम और कम कर देंगे, यानी कि तकरीबन 15 से 16 इंच। अब उसकी चौड़ाई का हमें ये 1/4 लेना है, यानी कि 15 इंच अगर हम वेस्ट रखते हैं तो उसका हाफ हमें 7.5 या 7.5 इंच रखना है। अब मैं 10 इंच पर इसके निशान लगाने शुरू करूँगी। ऊपर से मैंने 10 इंच लिया है, तब मेरा ये नीचे से तकरीबन 7.5 इंच या 7.5 जो है वो तैयार होगा। मैं यहाँ पर ये 10 इंच पर निशान लगाऊँगी। यह हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कितनी हम वेस्ट रखना चाहते हैं, या हमें पूरी पूरी वेस्ट का साइज लेना होता है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये तकरीबन इस वक्त जो मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है ये सर्कल का 8वां हिस्सा है। अगर मैं इसको खोलूँगी तो ये 1/4 फ्रंट 1/4 जो है बैक साइड पर आएगा, यानी कि ये हाफ सर्कल है।
बाकी देखिए मैंने योग का साइज़ इसको चेक करना है कि मेरा योग का साइज़ कितना बन रहा है इस ग्लास। आप ये देखिए ऊपर का कटिंग करने के बाद, डायरेक्ट कटिंग करने के बाद आप ये देखिए एक साइड मेरी 18 इंच है, तो ये दूसरी साइड भी अगर मैं 18 इंच रखती हूँ तो मेरा गोल सर्कल ये निकलता है नीचे से बिल्कुल अम्ब्रेला। लेकिन मैं अगर इसको टेल शेप में देना चाह रही हूँ, बैक साइड अगर मैं टेल से शेप में दूंगी तो मैं बैक साइड से इसकी लेंथ को बढ़ा लूँगी। अब यहाँ से देखें ये मेरी 18 इंच है इसकी लेंथ, और दूसरी साइड से मैं अगर 18 रखती हूँ तो मेरा गोल सर्कल निकलता है, लेकिन क्योंकि मैं इसको 21 इंचेस पर नीचे का निशान लगाया है तो बैक साइड मेरी थोड़ी सी इस तरह से लंबी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। मैंने एक साइड जो है वो 17 इंचेस रखा है और दूसरी साइड जो है मैंने 21 इंचेस रखा है। अब मैं इसको खोलूँगी तो आप ये देखिएगा ये दरमियान से ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सर्कल, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा टेल शेप दूंगी हाई एंड लो में। अब ये बैक साइड इसकी बनाऊंगी, एक एक पीस मैं अलग कर दूंगी बैक साइड को, और फ्रंट साइड को एक दफ़ा मैं फिर कटिंग करूंगी। अब ये एक मुकम्मल एक ही पीस था, इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, एक की मैं बैक बनाऊंगी और जो फ्रंट पीस है उसको मैंने डबल फोल्ड करने के बाद एक की एक दफ़ा और फ्रंट से कटिंग करूंगी। अब देखो मैंने इसको 4 इंच है ना बढ़ाया था, एक साइड मेरी 17 इंची थी तो दूसरी साइड मेरी 21 इंची थी, यानी 4 इंच का फ़र्क था। अब मैं इसको मज़ीद 8 इंच का फ़र्क रखूँगी के साथ इसको दोबारा कटिंग कर रही हूँ मैं। एक साइड मेरी 17 इंची थी उसको उसमें से 4 इंचेस और कम किया है तो 17 में से तो ये मेरी 13 इंचेस रह गई है, तो 13 इंचेस पर मैंने ये दूसरा कट लगाया है। अब मैं जो बचे हुए कपड़े में से स्लीव्स कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसकी एक साइड बॉर्डर है, बॉर्डर वाला पोर्शन जो है मैं नीचे की साइड पर लूँगी, और ये फिटिंग वाले स्लीव बना रही हूँ मैं। 21 इंचेस इसकी लेंथ ली है स्लीव की मैंने, और ये नेट मेरी थोड़ी सी स्ट्रेचेबल भी है, स्लीव इसके फिटिंग में बना रही हूँ मैं। 7 इंचेस इसकी चौड़ाई ली है मैंने 7.5, और जो फिटिंग में स्लीव्स होते हैं उसका आर्म होल भी हम थोड़ा सा गहरा रखते हैं। आमतौर पे मैं 3 इंच पर आर्म होल कटिंग करती हूँ, ये मैंने 4 इंच पर किया है, 4 इंच गहरा। और यहाँ से मैं तकरीबन 5 इंच मैंने चौड़ाई ली है, ये तैयार होने के बाद तकरीबन 4.5 रह जाएगी नीचे से चौड़ाई। इस तरह से ये स्लीव की कटिंग भी हो गई है। इस शर्ट की कटिंग काफ़ी आसान है, इसकी एक पट्टी और मैंने चौड़ी कटिंग करनी है और इस तरह से इसकी कटिंग भी मुकम्मल हो जाएगी। इसकी सिलाई भी इतनी ही आसान है। ये फ्रंट ओपन है इसलिए इसके फ्रंट साइड की मैं दो हिस्से कर रही हूँ। अब जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से मैं एक लंबी पट्टी निकालूंगी जो कि 7 इंच चौड़ाई की पट्टी है, जो नीचे से ऊपर तक और फिर बैक से जाते हुए वापस नीचे की तरफ आएगी। एक ही पट्टी में पूरी नेक पट्टी तैयार हो जाएगी। आप ये देखिए ये डबल पट्टी मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पट्टी को लगाते हुए मैंने बैक साइड तक लेकर आना और फिर वापस फ्रंट साइड पर आना है। ये चौड़ी पट्टी लग रही है और इसके बाद ये फोल्ड हो जाएगी पट्टी। इसकी सिलाई भी बेहद आसान है जो कि मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। जल्दी से सिलने वाला ये शर्ट है, पहनने के बाद ये काफ़ी अच्छा लगता है। हम इसको सबसे पहले मैं इसके शोल्डर जोड़ूँगी, ये मैंने फ्रंट और बैक की योक ली है और इसमें मैं इसकी शोल्डर जोड़ देंगी सबसे पहले।
जैसे कि मैंने बताया है, बिल्कुल आसान सा श्रग है, शोल्डर जोड़ने हैं और नीचे इसका घेर जोड़ना है, उसके बाद साइड फिटिंग और आर्म होल के साथ आर्म्स को स्लीव को फिट करना है। इस तरह से ये श्रग पूरा हो जाएगा, बहुत आसान है ये सीने में। अब मैं ये नीचे का जो घेर है, अम्ब्रेला कट घेर, बैक साइड पर उसे जोड़ देंगे। ये नेक की इन जो मेरी योक है, योक के नीचे की साइड पर घेर जोड़ा जा रहा है। ये बैक साइड का घेर जोड़ के है। अब ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड पर भी के टू पीसेज में है का नीचे का राउंड बॉटम अम्ब्रेला घेर। अब इसकी साइड फिटिंग कर रही हूँ मैं। और अब स्लीव की भी मैं साइड फिटिंग करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी सिलाई बहुत ही सिंपल है, सिर्फ नेक की पट्टी लगेगी, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मेन चीज़ इसकी कटिंग थी जो कि मैंने आपको दिखाई है। अब इसका आर्म होल में योक के साथ जोड़ रही हूँ। स्लीव को आर्म होल के साथ फिट किया जा रहा है। और इस तरह से श्रग पूरा तैयार है, सिर्फ इसकी नेक पट्टी रह गई है जो कि मैं अभी आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये 7 इंच चौड़ी पट्टी है, लंबी पट्टी है जो कि मैं नीचे घेर से शुरू करूँगी, स्टार्ट लूँगी। पहले इस पट्टी का मैंने सिरा सी दिया है, सिरा सीने के बाद पलट पलट लिया है इसको साइड सीने के बाद। अब ये फ्रंट साइड से मैं शुरू कर रही हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये पट्टी अच्छी खासी चौड़ी है, लेकिन इसको जब डबल फोल्ड किया जाएगा फिर ये पतली पट्टी हो जाएगी। इसको मैंने नीचे घेर से शुरू किया है और ऊपर मैं नेक की साइड लेकर आ रही हूँ इसे। और ये नेक भी ख़त्म हो गई, ये बैक साइड की नेक पर मैं पट्टी फिट कर रही हूँ। नेट में धागे नहीं निकलते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा इस तरह के मसाइल नहीं होते हैं कि हमें इसको सिरों को दबाना है। नीचे से भी अगर हम पिको ना करवाएं, बेहतर ये है कि इसमें पिको से ये नीचे घेर फैल जाते हैं, बेहतर ये है कि इसमें बारीक अगर लेस लगाना चाहें तो लेस लगा सकते हैं। इसका घेर मोड़ने से नीचे के घेर जो है वो खिंच कर और बड़ा हो जाएगा। आप ये देखें, ये राउंड तकरीबन पूरा हो रहा है, दूसरी साइड पर मैं आ गई हूँ और नीचे ये घेर की साइड पर ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसको मैंने इसके मुताबिक थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग किया है और अब मैं अंदर की साइड एक सिलाई करूँगी। इस पट्टी को भी इस तरह से बंद कर दूँगी जैसे मैंने स्टार्ट में
सिलाई की थी, ऐसी मैं एंड में भी कर रही हूँ। और इस तरह से इस पट्टी को मैं कंप्लीट करूँगी। ये एक साइड से शुरू होकर दूसरी साइड पर ये पट्टी ख़त्म हुई है। अब मैं इसको इस तरह से इसको वापस ऊपर की साइड पर ही पलट दूँगी। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करने के बाद आप ये देख सकते हैं ये श्रग तैयार हो गया है। बहुत जल्दी से ये मुश्किल 15-20 मिनट में ये सिलकर तैयार हो जाता है। अब बिल्कुल इसमें सीधी पट्टी लगाई है, बहुत आसान इसकी सिलाई है, को बिगनर भी बसानी सी सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। बस थोड़ा सा नेट को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरी नेट भी लचकदार स्ट्रेचेबल नेट है थोड़ी सी, वरना इसकी सिलाई बेहद आसान है। आप ये देख सकते हैं मैंने इसको हाई एंड लो में बनाया है। इसकी फ्रंट साइड जो है 28 इंच की है, जबकि बैक साइड 35 इंच की है। इसमें 4-4 इंच का तकरीबन फ़र्क रखा है मैंने। ये दोनों फ्रंट और बैक का जो फ़र्क है वो 7 इंच का है। और आप देख सकते हैं ये नेक इसमें बनी हुई है। चाहें तो हम दरमियान में इसके बटन भी लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं या हुक्स लगा के इसको बीच में से बंद कर सकते हैं, या फिर डोरी भी लगा सकते हैं। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, पहनने में इससे भी ज़्यादा ये अच्छा और ख़ूबसूरत लगेगा। उम्मीद है आपको ये शौक पसंद आएगा।